वही ना, तो बिल्कुल अकल नहीं है, मतलब बिल्कुल। इनके लिए जो घर वाले हैं ना, वो हैं बेवकूफ। अब हम यहाँ आए, अब हमारे सामने भी काम शुरू होने वाला, हाँ, सामने भी सामने स्टार्ट भी होगा, काम शुरू टाइल्स आ ली, होने पत्थर आ लिए, और ऊपर भी। अब पूरे दिन मैं उठा हुए आए, मैं ब्रश करके बाहर निकला, पूरा घर समेट दिया। सामने वाले के पैसे जा रहे, सामान जा रहा, उसे खाने को नहीं, मतलब बिल्कुल कच्चे बना रखे। और ये भी नहीं पता तुझे, टिड्डा टूट जा बहुत आराम से। मजा जब चप्पल से मार, टिड्डा और हेटर उसकी गो। नोएडा में खुला चल रहा है इस टाइम, सोसाइटी में क्या नहीं, यू टर्न पे सोसाइटी में तो फिर भी मान लेता मैं। सुबह जो बनाने आई थी आंटी की, वो खाना मैं, ये आपने छोड़ दे क्या? हाँ। कह रही नहीं, मेरे तो कल बस इतना बचा था, ये तो पहले के ही रखे। इतना बचा था? ये अभी तुम ये देखो कि ये डेली आती हैं, खाना बनाती हैं, और ये आटा 2-3 दिन हो गया अब ये फिकेगा, ये 2-3 दिन हो गए फिकेगा, ये 2-3 दिन हो गए। ये सब्जी हमने, ये जो है अभी खोलना, ये 2 लोगों के लिए बनवाई थी, 2 लोगों के खाने के बाद इतनी बची है। ये दो लोगों के लिए बनाई थी, इतनी बची है। ये सब फ्रिज में से निकाल रहा हूँ मैं, आज मैंने निकाल लिया, उसे दिखाऊंगा। और आज अगर तूने जो चावल बना के गई वो खा लिए, उससे बढ़िया तो कहेगा कट्टे में से मैं सीधे ही खा लूं। वही ना, तो बिल्कुल अकल नहीं है, मतलब बिल्कुल। इनके लिए जो घर वाले हैं ना, वो हैं बेवकूफ। वो इन्हें बस पैसे देते हैं, काम इनसे कुछ नहीं, मतलब इससे बढ़िया मैं कर दूंगा। अगर मैं किचन में कुछ काम करने लगूं ना, मैं इससे बढ़िया कर दूंगा। इतना गंदा खाना, इतनी गंदी चाय, सब कुछ इतना गंदा बना के जा रही, इसने दिमाग खराब कर दिया। तो क्या ही कहूँ अब, इसे भगाऊंगा यार मैं। इनके यहाँ शोरी करके यहाँ पे एक लड़का आ रहा, वो काफी ठीक काम कर रहा, उसे ही बुलाएंगे। भाई भग गया आज घर। चलो भाई, नहीं तो मम्मी का सुबह फोन आया, कह रही कहाँ है? मैंने कहा बस आ रहे शाम तक। कह रही अच्छा गुड़गांव से नहीं आया? मैं कहा नहीं, घर आ रहे शाम तक। कह रही बता, तू भी तो दिया घर। मैं अच्छा तुम्हें पता नहीं था? मैं यहाँ इतनी बार जिक्र कर दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे घर भी बता दिया हो। मुझे कितने दिन हो गए? 15 हो गए होंगे। ऐसा लगे जैसे एक ही हफ्ता हुआ, मुश्किल से मुश्किल। पर 2 हफ्ते हो गए हैं पूरे। 2 हफ्ते पूरे हो गए। कैसे रहे पर, छुट्टी कैसी रही है वाली? छुट्टी बढ़िया रही। यहाँ आदमी ना कुछ काम करता पर बिजी रहे पूरे दिन। मतलब मैं इस फ्लैट को थोड़ा होम वाइब वाला दूंगा, उस वाले फ्लैट में होम वाइब नहीं थी। उसमें तो फ्लैट वाइब थी, फ्लैट वाइब थी, बट इसमें होम वाइब है। इसमें ऐसा लगो जा, एक तो इसमें लिफ्ट का चक्कर नहीं ना, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगे है कि आप एक घर में घूम रहे। जहाँ भी आपको लगातार लिफ्ट का चक्कर रहे ना, वहाँ तो घूमते सामने ऐसे दिखाई दे पूरा कि कोई घर वाली फील आ रहा है। यूं नहीं फील होता, हमारे ऊपर कोई रह रहा, लेकिन ये कुछ टाइम से वो हमारे पहले वाले फ्लैट में, पहले ऊपर खटखट थी, फिर नीचे खटखट होने लगी। जैसे ही दोनों फ्लैट बने, हमने वो फ्लैट छोड़ दिया। अब हम यहाँ आए, अब हमारे सामने भी काम शुरू होने वाला, हाँ। सामने भी सामने स्टार्ट होगा, टाइल्स आ ली, पत्थर आ लिए, और ऊपर भी। अब पूरे दिन वो कौन है वो ठेकेदार का चिल्ला जिसके मीम वायरल, बलदेव। अब दोनों फ्लैट में बलदेव आ चुके हैं। कोई नहीं, हमने तो पता नहीं कितने फ्लैट बनवा दिए अपने सामने। एक यहाँ रोज ट्रक उतरे हैं, पता नहीं कितनी जनता आने लग रही है। बढ़िया काम है पैकेट्स मूवर्स का, 2 मिनट में समेटते हैं। अगर मेरा घर इतनी देर में समेट दिया था कि मैं उठ के ब्रश करके निकला था, बस मैं उठा हुए आए, मैं ब्रश करके बाहर निकला, पूरा घर समेट दिया। इतनी तेजी से काम करे हमारे तरह नहीं कि एक एक सामान लपेट के देख के साफ कर करके रख रहे हैं। तो पैक करके मूव करने का काम है। टूट भी जा, इंश्योरेंस थोड़ी है, तोड़ते नहीं, फिर भी हिसाब से रखा है थोड़ा। टूटा कुछ? एक दो हमारे जो रसोई का सामान आया ना, वो प्लेट वलेट टूटी हुई थी। करते हैं काम, चीजें तो कर दें, जब इतनी जल्दी करेंगे कुछ तो होगा भाई। हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा जो सामान नाजुक है वो नहीं लाना चाहिए। डाका आवेगा? आज ही आ रहा, नहीं, कल आएगा, आज रात तक हम जा रहे हैं यार। इससे तो डाका को रोक ही लो 2-3 दिन और। पर डाका यूँ कहेगा, कहना मुझे अपने चैनल पे भी तो काम करना। कल रात हमने 4 बजे तक मूवी देखी, बुलेट ट्रेन, और मैं सुबह उठा 1 बजे और बग गए अपने मामा के यहाँ। घूम के भी आ चुका मैं, अब तक वेट कर रहा हूँ रे का और शौर्या का। वो दोनों गाजियाबाद गए हुए कुछ शूट करने, क्योंकि उसके बाद आगे हमें एक शूट निपटाना, वो प्रोडक्ट मुझे वापस भेजना, उसके बाद हमें घर निकलना। नहीं छोटा ही है, 5 मिनट का चेंज है बस उनका है मेन। एक बार फोन करके पूछ के कितने देर मारे, उनके आते ही 5 मिनट में निपटा दूंगा मैं तो। मैं तुम्हें भी शाम का हाल दिखा रहा हूँ, ये इतने आराम खोर होते हैं। ये हमने 4 लोगों के बनाने को बोला था इसको, ये जिसमें से 2 लोग खा चुके, 4 लोगों के बना के गई है। ये ऊपर तक भरा हुआ था, इन्हें ये आइडिया नहीं कि सामने वाले के पैसे जा रहे, सामान जा रहा, उसे खाने को नहीं, मतलब बिल्कुल कच्चे बना रखे। और ये भी कि उसे खाने को नहीं, मतलब ये इतने हराम ज्यादा होते हैं, इतने हराम ज्यादा लोग हैं, क्या ही बताऊं। ये सामने वाले की हेल्थ को, पैसे को कुछ नहीं समझते, बस काम निपटाया फटाफट और भग जाओ। काम का भी बस इन्हें नाम करना बस। ये भी मैं 3-4 दिन यूं करवा रहा था कि इस पे पैसे थे, मैंने कहा यार वही वसूल हो जाए किसी तरह। वो नहीं आई, फिर अपनी बहू को भेज रही, वो इतनी मक्कार, मतलब वो हद से ज्यादा मक्कार, झूठी बिल्कुल। मतलब इनसे फ्रॉड मैंने आदमी नहीं देखा अपने जीवन में, और
दुनिया भर का सामान यूं ही फेंक रही है, यूं ही बना रही है, आलू बना रही है। हमारे से पूछ रहा हमने कहा आलू टमाटर की सब्जी बना दे, मैंने कहा सबसे बेसिक वही है, कह रही आलू उबाल के बनाऊं, मगर नहीं कच्चे ही दे दें यूं ही काट के और हम रोटी के लगा के खा लेंगे उसे। वो कैसे लोग हैं भाई, कैसे कैसे, और काम करना बस घरों में जाके, यूं पता लग गया घरों में जाके काम कर लो, पैसे मांगने आगे 20,000 रुपए दे दो, 30,000 रुपए दे दो, आदमी मर जा चाहे बिना खाए पिए मर जा, बाहर से मंगा मंगा के। वो आज तो इसका पत्ता काट दूंगा मैं, बस खत्म है। ये फिकेगा, ये फिकने वाला है, ये फिकने वाला है, ये फिकने वाला है, पूरा कल पराठे बनाए थे वो फिकने वाले हैं, सुबह पोहा बनाया था वो पूरा फिका है, ना स्पीड दिए इन्होंने, अब दे अभी इन्हें सोसाइटी में भी चमक दूंगा। अगर मैं मेल गार्ड ढूंढ के देगा एक अभी, क्योंकि आज जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी ना ये वही है हमारी काम वाली की फ्रेंड। मैं कॉन्टेक्ट देता हूँ कि हमारे यहाँ जो दूध मट्ठा के जो पैकेट बच रहे थे और थोड़ी सी एक चाय पत्ते का पूरा पैकेट, थोड़ी सी क्या मतलब एक पूरा पैकेट था हमारे पास एक चाय पत्ते का, तो मैं सोच रहा था हमारे यहाँ जो गार्ड बैठते दिन में उसे दूँ, पर आज उसकी ड्यूटी नहीं थी, उसकी जगह वो गार्ड बैठी थी जिसकी मैं बताऊँ ना, वो हमारी काम वाली जिसके साथ गप्पे लड़ा हुए, मैं तो बिल्कुल नहीं दूँ। फिर मैं पार्किंग में गया, पार्किंग में गार्ड मिला, उसे देखा है, मगर तू पकड़ भाई, पहचानता भी नहीं होगा पर मुझे वो यस अरे वो कर ले रहे, कैब बुक कर ले रहे। आज इस काम वाली को मैंने एक काम कहा था, मैं कहा आज तू बना के कुछ मत जा, तू सिर्फ सफाई करके चली जा। तो इसने क्या किया, सफाई तो छोड़ दो, सफाई तो की नहीं, बर्तन कह रही बर्तन साफ कर दूं, मैंने कहा हाँ खाली बर्तन साफ कर जा। उसमें भी हम जब मैगी खा रहे थे उस टाइम के बर्तन साफ नहीं करके गई, भग गई उससे पहले ही, अब वो बर्तन मैं साफ करके गया, डस्टबिन भी मैंने पूरा क्लीन करा, बर्तन भी मैंने साफ करे कि कल तक अगर हर्ष वापस आएगा या हम लोग भी वापस आएंगे तब तक इनमें गंद उठ जाएगी। भाई यार सच में मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस हो गया ना कि मुझे अब किसी गरीब के ऊपर दया भी नहीं आने की। घर पे एक दिन का ब्लॉग से ब्रेक ले लें, नहीं कर रहा तो कर देंगे यार, कर दें कुछ ना कुछ, मुझे बेडशीट बदलनी, इतने दिन हो गए गंदी हो रही बेडशीट, मैं बदल नहीं रहा पता नहीं क्यों, जब तक मेरे खाज नहीं हो जाने की ना पूरे शरीर में फिर बदलूं, सुबह उठ तो ही ना धोगे जब कुछ लिया हुआ अगले दिन पूरी। यार दिक्कत है पानी की, दिक्कत है पानी की भी, दूसरा तू जब हमारे वाले फ्लैट में तू मान ना मान इंसेक्ट्स की भी बहुत दिक्कत है, मुझे ऐसे ऐसे इंसेक्ट दिखे हैं यहाँ, एक वो खाओ छोटा सा स्कूटर सा वो घूमता रहे, एक वो था बाहर टिड्डा है ना पर्दे पे अंदर पता नहीं क्या, परसों से घूम रहा हो, परसों हमारे रूम के बाहर था यहाँ बैठा था, टिड्डा शांत हो गए थे, साले को पकड़ गया, तोड़ दो दोनों तरफ से, नहीं पता तुझे टिड्डा टूट जा बहुत आराम से, मजा जब चप्पल से मार टिड्डा और हेटर उसकी गोम, बग्गा नहीं मान रहा, बग्गे ने क्रिकेट में बद्दी बना रखी, ये देख ये तो अप डाउन मार रहा मुझे फंडनगर, परसों गया था कल आ गया आज जाके कब आओगे, अब तो हमारे साथ ही आएगा, ऐसा भी हो सके हम कल ही आ जाए वापस, वो ये ऐसे क्रेजी हो जा, ये अक्षित ये सब हुए ना, ये बुला बुला के आ रहे हैं, और जिस आदमी का बुला बुला के लत लग जा ना वो लत छुड़ानी भारी हो जा। अरे नहीं कुछ काम से गया था भाई, वही है टैक्स बनना था बिल्कुल आखिरी डेट पे, यही काम थे क्या? आज जिंदगी में पहली बार मैंने सामने से किन्हीं दो व्यक्तियों को किस करते हुए देखा, यही हमारी सोसाइटी में नहीं और बाहर था मैं, जब मामा के वहां जाने लग रहा था ना तो एक जगह यू टर्न मार रहा था मैं बाइक से, बराबर में देखा चुम्मा चट्टी चल रही यू टर्न पे, हाँ यू टर्न पे, अरे ऐसा नहीं पीछे बैठे हो ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 वाला ये तो मौत का मंजर ही है। अरे क्या चल रहा भाई, वीडियो कर रहा है फाइनल, नहीं मैं कह रहा शहर में क्या चल रहा है, वीडियो तो कर रहा तो वीडियो ही करता रह जाएगा, चुम्मे को ये बोल लेगा मैं सुनी नहीं पूरी बात, बस चुम्मा तक ही सुनाई दिया। नोएडा में खुला चल रहा है इस टाइम, सोसाइटी में क्या नहीं, यू टर्न पे सोसाइटी में तो फिर भी मान लेता मैं, सड़क पे ड्राइविंग सीट, तेरी कसम चलते हुए, तेरी कसम लोगों को प्राइवेसी मिल नहीं रही, अगर गाड़ी किसी से काले हो ना एक ही सीट पे दो दो बैठ के चले, कसम से लोगों को प्राइवेसी वो तो थोड़ा सा दिख जा जिस मारो रुक रहे, नहीं तो गोद में ही बैठा के चलावेगा, तो वैसे भी ऑटोमेटिक गाड़ी आगे जाते इधर हाथ उत का इस्तेमाल भी नहीं है, गर्मी अब कहते जा रहे थे वेकेशन पे जा रहे हो, टाइम हो गया पर मुझे तो शायद 15 दिन हुए हैं, और तेरे घर को जाए हुए 3 दिन हुए, मेरे घर वाले को जाए हुए 3 दिन, क्या चीता ही कहते हैं भाई, पंछी कहते हैं, कार्टून की बात कर रहे क्या भाई, एनीमे डोंट से कार्टून, अच्छा कार्टून को एनीमे क्यों नहीं बोल सकते, वो एनीमे को कार्टून क्यों नहीं बोल सकते यार, बहुत डिफरेंस आ जा स्टोरी लाइन में और आपका जो है कार्टून पर एपिसोड हो जाएगी उस एपिसोड में, कार्टून मतलब कार्टून एक तरीके से मान ले कि बच्चों के लिए हूँ, ये तो बेकार की बात कर दी है, एनिमे जो है एनिमे, अरे यार एनिमे एडल्ट कंटेंट भी हो ना उनमें, ओ ऐसे तो शिनचैन कार्टून था पर एडल्ट कंटेंट पूरा था, तो यहाँ तो सेंसर्ड कर करके बेचे गए थे उसे, नहीं शिनचैन कार्टून कहाँ से, एनिमे था, हाँ एनिमे है जापान का है, अच्छा तभी एडल्ट है वो, डोरेमोन कार्टून, कार्टून तो तेरे छोटा भीम है,
छोटा भीम है कार्टून। डोरेमोन में ने टीवी पे ऐसे एपिसोड देखे जिसकी एंडिंग में बीच में एट्रप्ट कट लग जा और लगे कि ये तो स्टोरी पूरी नहीं हुई, कुछ तो वाया बाथरूम वाले सीन हुए। पर यो क्या है एनिमेर कार्टून तो छोटो, पर ये क्या है कि घर जाने से पहले आने की डेट हो जाए स्टार्ट, एकदम तीन कॉल आई मेरे पे सोते सोते, भाई वापिस आना, ये करना वो करना, यहीं से वापिस चलोगे? मैं कहा यहीं से ही मुड़वा लो फिर तो गाड़ी, नहीं तो। और अगर मैं वहां लेटा रहता ना, तीन दिन लेटा ही रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। एनिमल्स लाइफ।